ओम शांति। शरीर है ही क्या? जैसे एक सोने का डब्बा दिया आपके हाथ में, सोने का डब्बा, और उस डब्बे के अंदर आपके सामने कुछ लैट्रिन डाल दिया, लैट्रिन जो रोज फेंक के आते हैं उसको सोने के डब्बे के अंदर डाल दिया, खांसी करने के बाद जो कप निकलता ढेर वो डाल दिया, हरी माउस डाल दिया, और डब्बे को आपके हाथ में दिया, और आपको कहा कि इसको सदा साथ में रखना भी करना, चुंबन भी लेना और उसको सदा साथ में रखना, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं गंदा है, भले सोने का हमारे पास नहीं चाहिए, ऐसे बोलेंगे ना। इसी तरह शरीर क्या है? एक डब्बा है, ऊपर देखने में सोने की चमड़ी है, सोने जैसी पीली, अंदर क्या है? वही लेटरिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हरी माउस भरी है, और लगता है बस इसको देखते ही रहे। अरे भाई किसको देख रहे आप? आज शरीर में आत्मा है, इसलिए हम दूसरे के नजदीक बैठे हैं, इसलिए उस आत्मा को देखने का प्रयत्न करो, बाकी शरीर को मत देखो, इसलिए आत्मा को देखो। हमारा प्यार किसी शरीर से नहीं, किसे प्यार है? आत्मा से प्यार है। जो प्यारी चीज है उसको देखने की कोई जरूरत नहीं। तो जितना आत्मा को देखेंगे, आत्मा से बात करेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे, विकारों से मुक्त बनेंगे। शरीर क्या है? शरीर कैसा बनता है? जैसे आजकल दुर्गा गणपति देवियों की मूर्ति बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? बांस को छिलते हैं, बांस को छिल करके ढांचा बनाते हैं, घास बांधते हैं, घास बांध करके क्या करते हैं? कीचड़ लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं, और उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, मूर्ति हो गई। तो मनुष्य की रचना कैसी है? अंदर हड्डियां मतलब बांस, उसके ऊपर नसें बांधी है, बहुत सारी नसें हैं। नसें क्यों हैं? नहीं तो हड्डी माउस को तो खून चिपकता ही नहीं, माउस चिपकता नहीं, नसें, नसें मतलब घास, और ऊपर खून और माउस चिपका हुआ है, और ऊपर पेंटिंग किया है, पाला काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब जिसका पीला पेंटिंग होगा, जो गोरे होंगे उसको बहुत नचे आते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, 10 बार आईना पोड़ते रहते रहेंगे, सामने जाएंगे देखेंगे मैं कितना अच्छा हूँ। हाँ, कोई काली मूर्ति है जिसका काला पेंटिंग किया है और जिसकी पीला पेंटिंग किया है, दोनों का पेंटिंग हटाओ अंदर तो क्या है? वही कीचड़ है। इसी तरह कोई काला है या गोरा हो, काले का माउस अलग और गोरे का माउस अलग नहीं है, वही कीड़ों से बना हुआ शरीर है, अंदर कीड़े हैं। आत्मा की लाइट कीड़ों तक जाती है, इसीलिए कीड़े जिंदे हैं। आत्मा चली गई ये कीड़े मर जाते हैं, मरा हुआ कीड़ा अगर किसी के शरीर पर आएगा वो भी मर जाएगा। इसीलिए पहले जमाने में बॉडी, आजकल भी ऐसे करते हैं, बॉडी को जब जलाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? वापिस जब आते हैं जो कपड़े पहने उसको भी धुलाई करते हैं और नए सिरे दूसरे कपड़े पहनते हैं। क्यों? वो जीवन पर ना आ जाए। इसलिए कभी भी किसी, अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है, उसका आकर्षित होता है, वो व्यक्ति आकर्षित होता है आपको, तो आप उसका बिना चमड़े का शरीर देखने की कोशिश करो। उसको चमड़ी है ही नहीं, खून मांस बह रहे, ऐसे को देख रहे हैं, बिल्कुल आपको नफरत आएगी। इसलिए आत्मा को देखो, आत्मा को देख करके बात करो। तो इस, अगर इस गाड़ी का भी एग्जाम्पल अभ्यास करेंगे तभी आपको शरीर की नफरत आएगी। इसलिए यह शरीर हमारा एक वस्त्र है, आत्मा मूर्ति है। आत्मा आत्मा जितना इस आत्मा के स्वरूप में रहेंगे आकर्षण से परे रहेंगे। अगर इसमें से कोई भी बात का अभ्यास करेंगे सहज आप आत्माभिमानी बन सकते हैं, और जब आप आत्माभिमानी बनेंगे, बाबा के जैसे गुण है, बाबा शांति का सागर है, आप शांत स्वरूप आनंद का सागर है, आप आनंद स्वरूप की अनुभूति कर सकेंगे। बाप समान बनने के लिए आत्माभिमानी बनना है, और जितना संगम युग में आत्माभिमानी बनेंगे उतना सतयुग में कृष्ण के नजदीक आएंगे। इसलिए ये आत्मा का लेसन पक्का करना जरूरी है, इससे आपका सारी समस्या खत्म हो जाएगी, संस्कार परिवर्तन होंगे, सहन शक्ति आएगी, सारे जो भी समस्या है सारी समस्या का समाधान है आत्माभिमानी बनना। ठीक है? ओम शांति।